आज हम लोग पेपर फाइव सिबलिंग सेट सी का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रेनफोर्समेंट का टॉलरेंस के बारे में, कि अगर रेनफोर्समेंट का प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कितना टॉलरेंस दे सकते हैं, कितना एमएम का टॉलरेंस हो सकता है भाई प्लेसिंग रेनफोर्समेंट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डेप्थ मेरा लेस देन इक्वल टू 200 mm रहा तो हम लोग प्लस माइनस 10 mm का टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट आईएस कोड से क्वेश्चन है, आईएस 456 से। सेकंड क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ स्टील रॉड पर मीटर लेंथ का बात कर रहा है, पर मीटर लेंथ का बात किया है, पर मीटर फीट का बात नहीं किया है, पर मीटर लेंथ का बात किया है। तो पर मीटर लेंथ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, वेयर डी इज डाया इन एमएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का ए। क्वेश्चन थर्ड है मेरा एच पर आईएस 456 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा फॉर M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। तो फॉर M25 इसका हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, इसी का वैल्यू क्या होता है, इसी बराबर 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK होगा। M25 के लिए FCK कितना होगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। तो 5000 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5000 इंटू 5, 25 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। तो इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन में दिया हुआ 25 इंटू 10 के पावर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। फोर्थ, डाया ऑफ मेन बार इन आरसीसी कॉलम, तो डाया ऑफ मेन बार आरसीसी कॉलम में कितना होता है, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आईएस 456 से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन से। इसका आंसर फोर का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन फाइव क्या है, द स्टेट ऑफ प्योर सीयर, प्योर सीयर कंडीशन कब प्रोड्यूस होगा, जब मेरा मोहर सर्कल कोई भी स्ट्रेस ब्लॉक है, स्ट्रेस ब्लॉक का अगर मोहर सर्कल बनाएंगे, उस मोहर सर्कल का जो सेंटर होगा अगर ओरिजिन, ओरिजिन जो हम लोग कर्व बनाते हैं, मोहर सर्कल बनाते हैं सिग्मा वर्सेस टाउ के बीच में कोई भी स्ट्रेस ब्लॉक का, तो अगर मेरा मोहर सर्कल का ओरिजिन इसके सेंटर पर लाई कर जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्योर सीयर कंडीशन। मतलब मेरा सिग्मा एवरेज जिस कंडीशन में जीरो हो जाएगा वो मेरा प्योर सीयर कंडीशन होगा। सिग्मा एवरेज का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा एवरेज होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये डिस्टेंस होता है मेरा ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। अगर कहीं भी मोहर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है तो इसका डिस्टेंस होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, मीन्स फर्स्ट केस का ए ऑप्शन का बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में मेरा इक्वल टेंशन है, इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है। तो इस केस में सिग्मा एवरेज क्या होगा, सिग्मा एक्स बराबर भी सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा वाई बराबर भी सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा एवरेज कितना आ जाएगा, टू सिग्मा बाई सिग्मा, टू सिग्मा बाई टू सिग्मा आ जाएगा। जीरो नहीं हुआ इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मींस अगर कोई स्ट्रेस ब्लॉक लेते हैं इस डायरेक्शन में, अगर टेंशन ले लेते हैं एक्स एक्सिस में सिग्मा और इक्वल कंप्रेशन लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा और सिग्मा वाई बराबर माइनस सिग्मा। तो मेरा इस कंडीशन में सिग्मा एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन को, इस कंडीशन में सिग्मा एवरेज जीरो है, इसका मतलब जब इसका मोहर सर्कल बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई करेगा, इस कंडीशन में ओरिजिन पर लाई करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव का बी।
क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है बी। सिक्स, इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग ए सरचार्ज इफ द ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल इज एच, तो विर्थ क्या होगा, बेस स्लैब का विर्थ क्या होगा, तो बेस स्लैब का विर्थ मेरा 0.7 H होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर सेवन में थिकनेस स्मॉल है इन कंपेरिजन विथ लेंथ एंड ब्रेथ, तो इस मेंबर को क्या बोलेंगे, 2D मेंबर बोलेंगे। सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन एट, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर सॉइल मास, हाइड्रोमीटर एनालिसिस सॉइल मास में हम लोग किस किस टाइप का करेक्शन करते हैं, तीन टाइप का करेक्शन करते हैं। एक होता है मिनिस्कस करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक टेम्परेचर करेक्शन होता है, मेरा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और थर्ड मेरा डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ये मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में मिनिस्कस और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ मिनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन क्या है, निगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए यू लाइन लाई क्लोज एंड अबव ए लाइन ऑफ द प्लास्टिसिटी चार्ट द क्ले मिनरल। क्वेश्चन नंबर नाइन में बोल रहा है, अगर कोई प्लास्टिसिटी चार्ट है, प्लास्टिसिटी चार्ट हम लोग क्या करते हैं, आईपी वर्सेस लिक्विड लिमिट में ड्रॉ करते हैं। इसमें एक ए लाइन होता है, ए लाइन, ए लाइन, इसका इक्वेशन होता है 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, और एक यू लाइन होता है जो इसके ऊपर ऊपर होता है, यू लाइन, ठीक। तो इसमें बोल रहा है लाई क्लोज, अगर ए लाइन और यू लाइन पास आ गया तब जो क्ले मिनरल होगा क्या होगा, केओलाइट, मोंट्रोमेलोलाइट और इलाइट। सपोज दैट ए लाइन मेरा है, यू लाइन का क्लोज चल जाएगा, क्लोज रीच कर गया, इसका मतलब क्या होगा, सपोज दैट ए लाइन है, अगर इसके क्लोज चल गया, पास चल गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका आईपी का वैल्यू, प्लास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इस सॉइल का। तो किस क्ले मिनरल का प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा होता है, केओलाइट, इलाइट, मोंट्रोमेलाइट, मोंट्रोमेलाइट का सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है तीनों में से, तीनों क्ले मिनरल में से। इसका नाइन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नाइन क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्वेश्चन टेन, इफेक्टिव स्ट्रेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी इक्वल टू पोर प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर नॉर्मल ऑफ द वेल। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा माइनस यू, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो बी सी तो ऑप्शन नहीं होगा, पोर वाटर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, टोटल स्ट्रेस के बराबर नहीं होगा, और सिग्मा डैश को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है आपका टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। कोई स्विमिंग पूल है 10 मीटर डेप्थ का, इसमें पानी फील है, 10 मीटर डेप्थ का आपका स्विमिंग पूल है, और इसके नीचे बेड लेवल पर आपसे क्या पूछ रहा है, सिग्मा डैश और सिग्मा स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा क्या होगा, सिग्मा जो यहां पर वेट इसका टोटल स्वेल या टोटल वाटर का जो वेट होगा वही होगा सिग्मा, यहां पर वेट सिग्मा क्या होगा, इसका गामा वाटर इंटू एच 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इंटू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा बॉटम में। सिग्मा डैश क्या होगा, सिग्मा डैश बराबर होता है सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर, बॉटम में सिग्मा कितना हो गया 100 माइनस,
यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर भी कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर अगेन गांव वाटर एच हो जाएगा, गांव वाटर एच सेम, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक सॉइल सैंपल है जिसका लिक्विड लिमिट 54 दिया हुआ है, 54%, प्लास्टिक लिमिट 27% दिया हुआ है, नेचुरल वाटर कंटेंट 25% दिया हुआ है, तो सॉइल किस टाइप का होगा, सिल्ट क्ले, फाइन सैंड, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसको हम प्लास्टिसिटी चार्ट से निकाल सकते हैं, आईपी वाला जो चार्ट है, आईपी वाला चार्ट है, आईपी और लिक्विड लिमिट, इसमें ए लाइन, ए लाइन का इक्वेशन होता है 0.73 WL माइनस 20, 0.73 ए लाइन का इक्वेशन होता है, ए लाइन के ऊपर क्ले होता है, नीचे सिल्ट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका लिक्विड लिमिट 54%, प्लास्टिक लिमिट 27%, तो हम लोग आईपी निकाल सकते हैं, आईपी इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा, 54 माइनस 27, कितना हो जाएगा 27% इसका आईपी आएगा इस सॉइल का। और ए लाइन का हाइट कितना होगा, यहाँ से इस इक्वेशन में लिक्विड लिमिट पुट कर देंगे 0.73 WL 54 माइनस 20, 0.73 इंटू 34 हो जाएगा, तो 0.73 इंटू 34 कितना होगा, 24.8% हो जाएगा। तो इस लाइन का यहां से हाइट आपका हो गया 24.8 और मैं एक्चुअल जो सॉइल है उसका कितना आईपी है 27%, मतलब सॉइल मेरा ए लाइन के अबव लाई कर रहा है, ए लाइन के अबव हो तो क्या आंसर हो जाएगा, क्ले आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीडिंग टू जीरो स्टेट ऑफ स्ट्रेस डेट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन ए सैंड स्ट्रेटम जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉयड रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका क्विक कंडीशन कब होगा, क्विक कंडीशन के लिए मेरा कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चाहिए, तो किक कंडीशन के लिए मेरा क्या होगा, किक कंडीशन स्टार्ट होने के लिए मेरा आईसी, आईआईसी के बराबर होगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर होगा, जिसका वैल्यू कितना होता है जी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस सी। क्वेश्चन में जी दिया हुआ है आपका 2.7 माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई, कितना दिया हुआ है 0.7, 2.7 माइनस वन कितना हो जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाय 1.7 वन हो गया, इसका आंसर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है सीपेज वेलोसिटी सॉइल का दिया हुआ है, सीपेज वेलोसिटी निकालना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्चार्ज वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपका 20 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और वॉयड रेशियो दिया हुआ है आपका 0.8। आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको वी एस निकालना है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं वी एस बराबर वी बाई एन, सीपेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा डिस्चार्ज बाई पोरोसिटी, डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 × 10⁻³ और एन क्वेश्चन पोरोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो पोरोसिटी निकाल सकते हैं एन बराबर ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई से, ई 0.8 डिवाइडेड बाई वन प्लस 0.8, 8 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा आएगा 45 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, फिर
ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर आपका डिपोजिशन होगा, फिर अपील होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 16, द लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर ए ड्राई सैंड। कोई ड्राई सैंड दिया हुआ है जिसका शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है। शियर स्ट्रेस एस दिया हुआ है आपका कितना, 100 किलो पास्कल, और सिग्मा दिया हुआ है आपका कितना, 200 किलो पास्कल। और क्वेश्चन में सैंडी सवाल दिया हुआ है तो सी बराबर जीरो है, तो हम लोग एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाई, यहां से टेन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी जीरो हो गया, एस का वैल्यू 100 दिया हुआ है, सिग्मा 200 इंटू टेन फाई, तो टेन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन फाई का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टाउ बराबर निकाल सकते, टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाई, अगेन सी जीरो हो गया, टाउ बराबर बोल सकते हैं हम टेन फाई का वैल्यू 0.5 हो गया, 0.5 सिग्मा। फेलियर एट फेलियर, टाउ फेलियर बराबर सिग्मा फेलियर, तो हम बोल सकते हैं टाउ फेलियर बराबर 0.5 टाउ फेलियर। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका ए। 17, द डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन नियर द सरफेस ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में मेरा टेंसाइल जोन का डेप्थ कितना होता है, अगर मेरा कोहेसिव सॉइल है तो आप जानते हैं टेंसाइल जोन का जो डेप्थ होता है, इट्स डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन आपका होता है 2c बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ के ए होता है, के ए आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2c बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ के ए। एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होता है, के ए टेन स्क्वायर 45 माइनस 45 माइनस 5/2, तो हम लिख सकते हैं यहां पर टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2, तो अगर ऊपर चल जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं 2c बाई गामा टेन ऑफ 45 प्लस 5/2, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर रूट हट गया, टेन 45 प्लस 5/2 हो जाएगा माइनस में, ऊपर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं, और टेन 45 प्लस 5/2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ एन फाई बोल सकते हैं, टेन ऑफ 45 प्लस 5/2 को हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन फाई, तो 2c बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ एन फाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, सी। 18 नंबर क्वेश्चन, इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर कंसोलिडेशन विथ सिंगल ड्रेनेज, अगर आपका सिंगल ड्रेनेज दिया हुआ है तो आइसोक्रोन का शेप कैसा होगा, तो आइसोक्रोन का शेप मेरा क्या होगा, इस केस में ट्रायंगुलर शेप होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, पैराबोला ना होगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन 19, डायरेक्ट IS कोड से क्वेश्चन है, आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछ रहा है एज पर IS कोड, फ्रीक्वेंसी रेशियो मशीन का, तो मेरा क्या होगा इसका 19 का आंसर हो जाएगा ए, 0.5 to 1.5। 20 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम लोड कैरिड बाई ए पाइल व्हेन इट कंटिन्यू टू सिंक विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ द लोड इज नोन एज, इसको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 का डी। 21, द स्ट्रेस इंक्रीमेंट, स्ट्रेस इंक्रीमेंट पूछ रहा है आपका, लोड का इंटेंसिटी दिया हुआ है और इन्फ्लुएंस फैक्टर भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जानते हो सिंपल, सिग्मा बराबर आई इंटू क्यू, आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.0179 इंटू क्यू कितना होगा, 250 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 4.48 किलो पास्कल आ रहा है, 4.48 किलो पास्कल, तो 21 का आंसर क्या होगा ए। 22, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पॉइल,
निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब होगा? जब अगर मेरा पाइल के आसपास वाला सॉयल का सेटलमेंट पाइल से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, इज कॉज ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द पाइल। सेकेंड हो गया इज कॉज इन सॉफ्ट क्ले, ये भी हो जाएगा, और डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी। जब कभी भी निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऐड करेगा पाइल पर तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन सेम होगा जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा, सेम। इससे क्या होगा? मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी सब 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 23, एक कंपैक्टेड सॉइल सैंपल है जिसमें गामा डी दिया हुआ है मैक्स। गामा डी मैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कितना? 21.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपका गामा डी मिनिमम दिया हुआ है 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कंपैक्टिबिलिटी फैक्टर CF पूछ रहा है आपसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा डी मिनिमम। मैक्सिमम कितना है गामा डी? 21.5 माइनस 15.5 डिवाइडेड बाय 15.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा? 0.39। बी आंसर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 24 डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, अंडर इन पाइल आर जनरली। अंडर इन पाइल क्या होता है? बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ए आंसर, बोर्ड पाइल। अंडर इन पाइल आपका क्या हो जाएगा? बोर्ड पाइल। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 आपका रिलेशन बताना है रिलेटिव कंपैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी में। तो रिलेटिव कंपैक्शन मेरा क्या होता है? रिलेटिव कंपैक्शन डायरेक्ट रिजल्ट है, रिलेटिव कंपैक्शन बराबर होता है आपका 18+0.2 रिलेटिव डेंसिटी DR। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 25 का? बी। 26 का बेल फाउंडेशन से क्वेश्चन है, IS कोड रिकमेंडेशन पूछ रहा है टिल्ट और शिफ्ट का, बेल का। तो टिल्ट मेरा 1:60 होता है और मेरा शिफ्ट कितना होता है? 1। तो आंसर क्या होगा 26 का? बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका फ्रिक्शन सर्कल मेथड यूज करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में। उसमें जो सर्कल यूज करते हैं, सर्कल उसका आपका रेडियस पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका रेडियस कितना होता है? आर साइन फाई। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 28 इन ए लोडेड बीम आपको कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कहाँ होता है? जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है या साइन चेंज करता है। तो 28 का डायरेक्ट क्वेश्चन है 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में 3 इंच आर्च इज कैरिंग यूडीएल लोड ओवर एंटायर स्पैन, द आर्च इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स। तो कोई भी आर्च है अगर इस पर आप यूडीएल लोड लगाओगे और हम चाहते हैं सिर्फ आर्च में नॉर्मल थ्रस्ट एक्ट करे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ना लगे, तो इसका शेप क्या होगा? पैराबोलिक होगा। तब इस केस में मेरा इस पर कोई भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर इस लोड को अगर सिंपल बीम पर लगाते हैं तो इसका जो BMD बनेगा UDL कारण, वो पैराबोलिक शेप का बनेगा, पैराबोलिक शेप का। अगर इसी शेप का अगर हम आर्च प्रोवाइड कर दिए और उस पर UDL लोड लगा दिए, जो इसका सिंपल बीम पर जब UDL लगाते हैं तब उसका जो BMD का शेप बनता है, इसका BMD का जो शेप बनता है, सेम अगर शेप का BMD शेप का अगर सेम आर्च का शेप कन्वर्ट करते हैं और सेम लोडिंग जो बीम पर लग रहा है आर्च पर लगाएंगे, तो इस केस में आपका कोई भी सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर
ना तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, ना तो सीयर फोर्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट आएगा, नॉर्मल थ्रस्ट आएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पैराबोलिक होगा, सर्कुलर इलिप्टिकल नहीं होगा, पैराबोलिक होगा। 29 का आंसर क्या होगा आपका? बी। 30, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू द हॉलो शाफ्ट बोथ हैविंग आउटर डाया डी एंड हॉलो डाया एंड इनसाइड डाया डी बाई टू। क्वेश्चन में आपका एक सॉलिड शाफ्ट दिया हुआ है, एक हॉलो शाफ्ट दिया हुआ है, दोनों का स्ट्रेंथ का रेशियो पूछ रहा है। तो स्ट्रेंथ का रेशियो पूछ रहा है नथिंग बट क्या है उसका, जेडपी का रेशियो पूछ रहा है, जेडपी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई जेडपी ऑफ हॉलो शाफ्ट, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोनों का रेशियो क्या होगा, कैपिटल डी के बाय 4 डिवाइड बाई कैपिटल डी के बाय 4 माइनस स्मॉल डी के बाय 4। स्मॉल डी क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल डी बराबर डी बाई 2 गिवन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल डी के बाय 4 डिवाइड बाई कैपिटल डी के बाय 4 माइनस कैपिटल डी के बाय 4 डिवाइड बाई 16, कितना हो गया 16 डी के पावर 4 डिवाइड बाई 15 डी के पावर 4, 16/15 हो गया। तो ऑप्शन क्या है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी में 15/16 दिया हुआ है, लेकिन मेरा राइट आंसर क्या है, 16/15 है, जिसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 30 का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका, ABCD में से कोई नहीं, ठीक है। 31, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कोई बीम है उसका स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है और डेप्थ कांस्टेंट है, तो विड्थ कैसे वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट उसका विड्थ कैसे वेरी करेगा। तो हम जानते हैं एम बराबर एफ इंटू जेड, एम बराबर एफ इंटू जेड, एफ जेड क्या होगा 1/6 बी डी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में गिवन है आपका डेप्थ कांस्टेंट है, डेप्थ मेरा क्या है कांस्टेंट, तो विर्थ मोमेंट और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है तो एफ भी कांस्टेंट होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि विर्थ मेरा क्या होगा बीम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेंडिंग मोमेंट। तो डायरेक्ट आंसर इसका 31 का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन पॉइजन रेशियो पूछ रहा है। तो हम जानते रिलेशन ई बराबर 2g × 1+μ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यंग्स मॉडुलस ई दिया हुआ 200 बराबर 2 × g, जी दिया हुआ 80 × 1+μ, इसको सोल्व करेंगे तो म्यू बराबर मेरा कितना आएगा 0.25 आ जाएगा। तो 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका सी। 33, इंटरनल फोर्स एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन एन आर्च आर, आर्च में मेरा इंटरनल फोर्स क्या क्या होता है, मेनली तीन फोर्स होता है आपका, नॉर्मल थ्रस्ट, सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 34, मुल्लर ब्रेसला प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज अप्लीकेबल फॉर, आप मुल्लर इक्वेशन से आप ILD स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ट्रस सब का आप ILD निकाल सकते हैं, ट्रस का भी निकाल सकते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट का भी निकाल सकते हैं, इनडिटर्मिनेट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब मटेरियल मेरा क्या होगा हुक्स ला प्रोपोर्शन लिमिट को फॉलो करेगा, विच इज इलास्टिक एंड फॉलो हुक्स ला, हाँ ऑप्शन 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन 35, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड और बिहेव इलास्टिकली, तो इसका मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 35 का मोर अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, जब सुपरपोजिशन इज वैलिड। क्वेश्चन नंबर 36, ए सिंगल रोलिंग लोड है 8 kN लोड का दिया हुआ है अलॉन्ग ए गर्डर ऑफ 15 m स्पैन एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो कोई गर्डर है 15 m का, इस पर आपका
8 किलो न्यूटन का लोड रोल कर रहा है तो मैक्सिमम एंड मोमेंट कब होगा, जब भी आपका लोड कहाँ होगा, मिड पॉइंट पर जाएगा तो 8 किलो न्यूटन का, तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा अब जानते हैं, इसका बीएमडी डायग्राम डब्ल्यू एल बाई 4 होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 8 15 बाई 4, कितना होगा 30 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका क्या होगा, डी। 37, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डिस्पर्सिव मेथड, कौन डिस्पर्सिव मेथड नहीं है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्पर्सिव मेथड है, कानीज मेथड डिस्पर्सिव मेथड है, आपका कॉलम एनालिसिस मेथड आपका क्या है, फोर्स मेथड है। तो 37 का क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 38, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, नहीं रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, नहीं है स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर दोनों में ट्रायंगल और रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर रहता तब ऑप्शन सी होता, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन में रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 38 का आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन 39, टू जनरेट द jth कॉलम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, jth कॉलम अगर जनरेट करना है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का तो कौन सही है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर के बाई डेल्टा, के इंटू डेल्टा होता है, के क्या होता है स्टिफनेस होता है, एफ बाई डेल्टा ये आपका स्टिफनेस होता है। अगर इसका रेशियोपोकल ले लेंगे 1/k तो ये मेरा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, तो नथिंग बट क्या होगा डेल्टा बाई एफ, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बराबर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अगर निकालना है हमको तो यूनिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा अलग अलग कॉर्डिनेट पर उसी को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, हमको लगाना पड़ेगा फोर्स, यूनिट फोर्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सी और डी ऑप्शन गलत है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा रहा है गलत है। ए और बी, बी ऑप्शन में क्या है आपका यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा है उस कॉर्डिनेट पर, ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में क्या है यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहा है और फोर्स ही कैलकुलेट कर रहा है, हमको यूनिट फोर्स लगाना है और हर एक कॉर्डिनेट पर क्या करना है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 40, ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रिफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज दीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टाइम और पोजिशन के साथ चेंज नहीं होता है आपका, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर सी होगा। 41, इन ए पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम में आपका एक रिलेशन दिया हुआ है एम प्लस आर ग्रेटर देन 2j, तब मेरा कैसा होगा, कोई भी ट्रस स्ट्रक्चर है उसका ds बराबर होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमेसी एम प्लस आर माइनस 2j। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एम प्लस आर ग्रेटर देन 2j, इसका मतलब क्या है मेरा ds ग्रेटर देन 0 है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और स्टेबल भी होगा, फॉर ds ग्रेटर देन 0 मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा स्टेबल भी होगा। तो 41 का आंसर क्या होगा, स्टेबल एंड स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट, 41 का क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा। वाइल यूजिंग थ्री मोमेंट इक्वेशन अ फिक्स एंड ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस बाई एडिशनल स्पैन ऑफ, अगर हम थ्री मोमेंट इक्वेशन यूज करते हैं, अगर अ फिक्स्ड एंड लेना रहा था फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम का, अगर कोई कंटिन्यूअस बीम है कोई भी बीम है उसमें अगर फिक्स्ड एंड है तो इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, इसको जीरो लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन में। 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 43, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट और द सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू फेल, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। तो 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 44, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालना है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालना है एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, कोई डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन दिया हुआ है, नीचे टेंसाइल स्टील हो गया ऊपर कंप्रेशन स्टील हो गया,
इस स्टील के लेवल पर मेरा स्ट्रेन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसको एज्यूम कर रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू, यहां से हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी है, अपर कवर को हम डी डैश एज्यूम कर रहे हैं इतना से इतना दूर, हमको कैलकुलेट करना है इस लेवल पर मेरा स्ट्रेन कितना होगा बीम में। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन प्रोफाइल मेरा होगा एज पर आई एस 456 मेरे कोई भी बीम का रेनफोर्स बीम का मेरा स्ट्रेन प्रोफाइल क्या होता है लीनियर, जिसमें आउटर मोस्ट प्रोफाइल आउटर मोस्ट फाइबर मेरा 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन जा सकता है। आपको इस लेवल पर स्ट्रेन एप्सिलॉन एससी निकालना है, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल डेप्थ एक्स यू दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं कितना 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स यू, इस ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एस सी बराबर एप्सिलॉन एस सी डिवाइडेड बाई इतना कितना पूरा एक्स यू है, डी डैश दिया हुआ है इतना दूर क्या हो जाएगा एक्स यू माइनस डी डैश। तो हम यहां से बोल सकते हैं एप्सिलॉन एस सी बराबर 0.0035 इंटू एक्स यू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्स यू, इसको हम लिख सकते हैं 0.00351 माइनस डी डैश बाई एक्स यू, इतना स्ट्रेन आएगा मेरा इस लेवल पर स्टील कंप्रेशन स्टील के लेवल पर मेरा कितना स्ट्रेन होगा 0.00351 इंटू 1 माइनस डी डैश बाई एक्स यू। तो ऑप्शन क्या होगा 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 45 द चांस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी रिड्यूसेस, डायगोनल टेंशन क्रैक कब रिड्यूस होगा जब मेरा एक साथ एक्सियल कंप्रेशन और शियर फोर्स दोनों एक साथ एक्ट करेगा तब मेरा क्या होगा डायगोनल टेंशन क्रैक का चांस कम हो सकता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 46 इन प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज, प्री स्ट्रेस मेंबर में हम क्या करते हैं हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज करते हैं। हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंक्रीट में हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट में मेरा क्रीप और श्रिंकेज कम होता है, क्रीप और श्रिंकेज कम होगा तो लॉसेस कम होगा प्री स्ट्रेस मेंबर में, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील इसलिए यूज करते हैं कि अगर कुछ लॉस हो जाए, अगर सपोज दैट Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करने लगेंगे Fe 250 प्री स्ट्रेस मेंबर में और इसमें अगर लॉस 150 मेगा पास्कल लॉस हो गया तो इसके पास बहुत कम स्ट्रेंथ बचेगा 100 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ बचेगा, इसलिए हम लोग Fe 250 415 500 यूज नहीं करते हैं आपका, हम लोग यूज करते हैं हाई टेंशन 2000 1500 1600 इस टाइप का प्री स्ट्रेस मेंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बी आंसर। 46 का क्या होगा बी। 47 द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील टेंशन इज 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर देन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, आपका डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस का बोल रहा है तो आप जानते हैं एक्स यू बाई डी एक्स यू डेप्थ एस सी बाई डी क्या होगा 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 280 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 140, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सली कितना आ जाएगा 0.39 आएगा, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कितना 0.4। 47 का आंसर क्या हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 48 गैंट्री गटर में गैंट्री गटर को डिजाइन करते हैं टू रेसिस्ट
क्या है, लेटरल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड और वर्टिकल लोड, तीनों के लिए डिजाइन करते हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन 49, ए फुल्ली प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम इज वन इन विच। 49 क्या होगा, फुल्ली प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम बोल रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बोल रहा है वर्किंग लोड आर कंप्लीटली रेसिस्टेड बाय प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, ये भी सही है। नो टेंशन इज परमिटेड अंडर सर्विस लोड, क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है अंडर सर्विस लोड, लेकिन हम बोल सकते हैं कि नो टेंशन इज परमिटेड। इसका 49 का आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, ए और बी। क्वेश्चन 15 बोल रहा है आपका, किस फैक्टर पर आप मेरा सारा परमेबिलिटी, इंग्रेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, CO2, क्लोराइड, सल्फेट, सारा चीज डिपेंड करता है। तो मेरा ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी पर सारा चीज डिपेंड करता है, ड्यूरेबिलिटी मेरा कंक्रीट का कैसा है, इसका परमेबिलिटी कितना होगा, क्लोराइड अटैक, सल्फेट अटैक, सारा चीज मेरा डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर।